संतोष जी ऑल द बेस्ट बोलिए हमको। हाँ हाँ ऑल द बेस्ट। या उधर से। हाँ जी अर्पित भैया, गजब छुपा रुस्तम आदमी निकला यार तुम तो। चलिए मैडम सर बुलाई हैं, चिंता कोनो बात नहीं, हम सब संभाल लेंगे। संभालना तो पड़ेगा ही ना भाई, अगर मेरा ये राज खुल गया कि मैं सब कुछ सुन सकता हूँ और बोल भी सकता हूँ तो फिर तो सब कुछ बोलूंगा ना, हैं? तुम सबके राज भी खोलूंगा। एक बार ना नकली मेडिकल सर्टिफिकेट देकर छुट्टी लिए थे हम। पुलिस की एग्जाम में ना एक बार चीटिंग की थी मैंने, तब से लेके आज तक मेरे दिल में ऐसा बोझ बैठ गया है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। यार अर्पित पहली बार तुम्हारे दुकान पर आया, एकदम चौचक दुकान लगाए हुए, कुछ खिलाओगे नहीं इस सब में से? लो क्या है इसको बिजनेस। ये अपना माल है कोई शक? कितना ओवर एक्टिंग करता है ये। चोर 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 चोर। हेलो चीते, चीते चीते, बताया तुमको ये ब्लैकमेल का चक्कर ना बहुत ही खराब होता है। ये जो अर्पित है ना उसके पास हमारे राज है, आज वो अपने केस में हमें ब्लैकमेल कर रहा है, कल किसी और मामले में हमें ब्लैकमेल करेगा तो सोचो सोचो क्या होगा। वो इसीलिए ब्लैकमेल करने वाले को ही खत्म कर देना चाहिए। ब्लैकमेल करने वाला खत्म, ब्लैकमेल होने का डर भी खत्म। इंसान से दानव कब बन गए? चीते तुम एक काम करो, उस अर्पित को ना फैजाबाद रोड की तरफ लेकर आओ। तुमको पता है ना बहुत सुनसान रास्ता है, वहां कोई आता या जाता नहीं। वहां तीनों मिलकर हम उस अर्पित को ढिसका 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 कर देंगे। पुष्पा जी फैजाबाद लेकर जाएंगे, वहां पे एनकाउंटर करेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा है ना? हाँ तो फिर ऐसा करते हैं। दुश्मन को दुश्मन के घर में घुस के मार डालेंगे। पर उसकी तो दुकान है ना पुष्पा जी। हाँ तो दुकान में घुसकर मार डालेंगे, दुकान में घुसेंगे शटर डाउन करेंगे, जितनी भी गोलियां हमारे पास है ना सब उसके शरीर में दाग देंगे। अब जाओ जाओ जाओ। बहुत बाप रे। जाओ जाओ। बाबू अपने जान पर खेलकर तुम्हारा अमानत वापस लेकर आए हैं। अब तुमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, पुष्पा जी को और संतोष जी को ना यहीं पर बुला लिया तो सारा जो मामला है यहीं पर निपट जाएगा, तुमको बिल्कुल फिक्र मत करो। ओ थक गए यार। चीते 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 आंखें खोल चीते उठ चीते। तमाशा चल रहा है यहाँ पे, जाओ अपने अपने काम करो, जाओ काम धाम कुछ है नहीं। उठ 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 आ गए। मुंह उठा के संतु संतु पानी लेकर आ। पानी नहीं चाहिए पुष्पा जी, चीते की हालत देखिए आप। अरे हम चीते के लिए ही कह रहे हैं, पानी की छींटे मारो उसके चेहरे पे, उसको होश मिलाओ। हाँ जगाओ उसको। हाँ पुष्पा जी कहिए। मैडम सर वो जो अर्पित है ना वो भाग गया। क्या? जी मैडम सर वो चीते को धक्का देकर उसे बेहोश करके हमारी हिरासत से भाग गया। एक सेकेंड, लेकिन अर्पित को भागने की जरूरत ही क्या है, वो इस तरह से क्रिमिनल्स की तरह क्यों बिहेव कर रहा है? अच्छा ठीक है एक का मीरा, इसकी मैया का। शांति 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 मीरा, फटाफट अर्पित का मोबाइल लोकेशन ट्रैक कीजिए जल्दी। सॉरी मैडम सर, ऑर्डर नॉट एक्सेप्टेड, करिश्मा मैडम ने स्पेसिफिकली आपका कोई भी ऑर्डर ना मानने का ऑर्डर दिया है। करिश्मा सिंह मीरा को ऑर्डर दीजिए। अरे हम तो भूल ही गए, करिश्मा सिंह ठीक से सुन नहीं पा रही है। कमांडे कक्का कमांडे, मीरा अर्पित का फोन ट्रैक करो, फटाफट उसका लोकेशन का पता लगाओ अभी। ओके मैडम। सस्पेक्ट फाउंड 10 किलोमीटर अवे फैजाबाद रोड। ओके फंटा। इसकी मैया की सासू मैया, इसने हमारा कान खराब किया है, ये कैसे बच के निकलेगा, इसकी तो हम जान ले लेंगे। निकालो हमारा बाइक। मीरा जी ऑल द बेस्ट। भाग गया पुष्पा जी।
कौन कहा था आपको इतना ज्यादा एनकाउंटर का नौटंकी करने के लिए? हो गया सीधा साधा सुस्त आदमी, रॉकेट फरार हो गया। हाँ ठीक है, वैसे मैंने मैडम सर को फोन करके बता दिया है कि वो अर्पित भाग गया। मैडम सर जब उससे पूछेंगे उसके भागने का वजह, तो वो तो सारा परपंच बता देगा। आपकी एनकाउंटर का ओवर एक्टिंग तो बता देगा ना पुष्पा जी, बता देगा। पुष्पा जी कल की जाती आज ही हमारी नौकरी चली जाए ना, आपने मरवा दिया है, क्या करें आप? अम्मा का टोपा गिरी है, टहलते टहलते नाश्ता पानी करते करते ना, मतलब पैदल भी जाते ना तो इससे पहले पहुंच जाते। कहाँ बिठा दिया है हमको? अम्मा स्पीड बढ़ाओ ना, ये मैक्सिमम स्पीड है। का बोले? ये मैक्सिमम स्पीड। रुको, का बोल रहे हो? कुछ सुनाई नहीं आ रहा हमको। ये मैक्सिमम स्पीड है? यस। इसकी मैया की सासू मैया, ऐसे तो हम अगले जन्म में पहुंचेंगे। सारे कबाड़ ना हमारे पल्ले पड़े हैं, तुम भी और ये भी। जैन मैडम सर। जैन जल्दी गाड़ी में बैठिए, हमें अभी याद आया कि इसकी स्पीड सिर्फ 20 की है। लोकेशन अपडेट मीरा। यस मैडम सर। अर्पित की गाड़ी यहाँ से 100 मीटर दूर है, हमने उसकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर भी ट्रैक किया था, कार उसी के नाम पे रजिस्टर्ड है, हम उसे ट्रैक कर रहे हैं, आप सीधा चलते रहिए। ओके। अर्पित हमारी तरफ ही आ रहा है मैडम सर। वो रहा अर्पित। वो अर्पित है? यस। उसको बोलो रुके, उसको बोलो गाड़ी रोके। मीरा अर्पित रुको, अर्पित रुको, अर्पित गाड़ी रोको, अर्पित गाड़ी रोको। भाग क्यों रहे? कहाँ हुआ मैडम सर? पेट्रोल खत्म हो गया। कहाँ बोले आप? अब लिख कर बताओ मीरा। पेट्रोल ओवर? इसकी मैया का, ये पेट्रोल बजट का टंटा ना होता ना तो। अम्मा जाओ मीरा, पकड़ो तुम, भागो पकड़ो। हाँ, रफ्तार दिखाओ, फुल स्पीड मीरा। तो मिस्टर हरपित, हम अच्छे से जानते हैं कि आप गूंगे बहरे नहीं हैं, इसलिए नाटक करना बंद कीजिए। हमारे पास इस बात का पक्का सबूत है कि तुम बोल भी सकते हो और सुन भी सकते हो। वो देखो ऐसा है भैया, तुम्हारे वजह से ना हमारे कान बंद हो गए हैं, हमें सुनाई नहीं आ रहा है कुछ भी, समझ रहे हो हमारी बात को? अगर तुमने आज सच नहीं बोला ना, ना मार मारेंगे ना तुमको कि तुम्हारी जो आगे आने वाली पीढ़ी है ना वो है करती हुई नजर आएगी, समझ रहे हो हमारी बात? करिश्मा सिंह, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमने एक डॉक्टर को यहाँ बुलाया है, जो आएंगे तुम्हारा चेकअप करेंगे और साफ साफ पता चल जाएगा कि तुम कितने बड़े झूठे हो। आ गए डॉक्टर, डॉक्टर हियर, जिसके पीछे पड़ जाए उसके मुंह से निकले हाय हाय, आई एम बिलीव स्पेशलिस्ट डॉक्टर न्यूटन आइंस्टाइन। क्या कुछ नहीं है डॉक्टर साहब। ओके, कम टू द पॉइंट, ट्रीटमेंट पे आते हैं। ट्रीटमेंट मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट करूंगा, तुम बहरे हो लेकिन मेरी दवा से तुम तंदुरुस्त हो जाओगे, तुम्हें सुनाई देगा। ये रहा ये मेरी दवा है, एक्सक्यूज मी। ये मेरी दवाई हो गई, अब आपकी दवाई की बारी। ये रही दवाई, इनको ना फटाफट इस पिलर पे बांध दो, प्लीज हेल्प मी। आइए पेशेंट जी, आइए प्लीज कम उठिए। चलिए मैडम प्लीज अदर साइड। तो ये है दवाई, इसके 4-5 बूंद्स मैं तुम्हारे कांस में डाल दूंगा। कांस में? या कांस, 1 कान 2 कांस, बहुवचन। करेक्ट। यस, योर कैपेसिटी ऑफ माय असिस्टेंट। ये तुम पुलिस की नौकरी छोड़ दो, मैं तुम्हें डॉक्टर बना दूंगा। डॉक्टर साहब इधर मरीज इधर है। ओके, मुंडी तेरी, कांस में 2-3 बूंद आई, टुक टुक टुक। ओके फाइन, another side mundi teri, 5-2-3. Okay fine. Oh my god, shake the before use. Madam hold it, maine shake hi nahi kiya.
अरे वैसे डॉक्टर साहब, ये कौन सी दवाई है, इसके बारे में पहले? अरे ये तो एक्सपायर है। नहीं नहीं, ये तो जिंदा है, देखो। हम दवाई की बात कर रहे हैं, दवाई की एक्सपायरी डेट तो बहुत पहले पूरी हो चुकी है। गजब, ये लिखिए। जिमी, व्हाट इज दिस दवाई? Oh my God! वाकई ये दवाई एक्सपायर है? Oh, I'm so sorry, but no problem. अगर इनमें सुनने की शक्ति होती तो ये एक्सपायरी दवा इनके कान्स को डैमेज करती, लेकिन ये दवा एक्सपायर, इनके कान्स एक्सपायर, तो एक्सपायर फिटूस। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ये दवाई की तारीफ तो बहुत पुरानी होगी ना, तो फिर अगर इनकी जान को कुछ खतरा हो गया तो? वैलिड पॉइंट पुरानी लेडी। देखो मैं यहाँ 5 मिनट के लिए रुक जाता हूँ, अगर तुमको कुछ होता है तो मैं यहाँ हूँ डॉक्टर न्यूटन आइंस्टाइन, तो आप प्लीज रिलैक्स कीजिए। देखिए 5 मिनट का रिलैक्स एवरीबॉडी। तुम तो निठल्ले हो, कहाँ जॉब करोगे? अच्छा संतू जी, आप भी जो फाइल बनाने के लिए, इसमें क्या करना है देखिए। नहीं चीते, तुझे समझाया तो था, ये तूने गलत कर दिया। ये क्या, मुझे कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? डॉक्टर साहब, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। डॉक्टर साहब, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। आप लोग क्या 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 बोल रहे हैं? देखो 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 ना प्लीज, क्या हो गया मेरे कानों को? पक्का? आप जैसे ड्रामेबाजों से सच्चाई उगलवाने के लिए हमें भी कभी कभी ड्रामा करना पड़ता है। ये देखो, ये वीक निकला और ये बेल, इसके अंदर कुछ नहीं है, उसकी घंटी हमने ऑलरेडी निकाल के रख दी थी। इसलिए प्लीज वक्त और बर्बाद मत कीजिए और सच सच बताइए कि पिछले 5 सालों से आप ये गूंगे बहरे होने का नाटक क्यों कर रहे हैं? आप तो रोने लग गए। लिसन, देखिए प्लीज, हमने कोई केस नहीं लगाया अभी आप पर, हम बस पूछ रहे हैं। ये नाटक भी हमने सच्चाई उगलवाने के लिए किया था, प्लीज रोइए मत। संतोष शर्मा, पानी। हाँ, इनके लिए। हाँ, इनके लिए। देखिए आप प्लीज रोना बंद कीजिए, शांति से पानी पीकर हमें बताइए कि आप क्यों झूठ बोल रहे हैं पिछले इतने सालों से, आपने खुद की लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाई हुई है? देखो हमने ना पहले तुमको ही विलन माना था, मगर और शांति से बताओ कि हुआ क्या है। अब मैं क्या बताऊं मैडम, आपको भी सुन के बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन इन सब के पीछे जो वजह है ना, वो है मेरी पत्नी सुनैना और मेरी माँ निरुपमा का बिहेवियर। आपको आइडिया भी नहीं होगा कि जिस दिन से मेरी शादी हुई ना, मेरी जिंदगी कैसे नरक से भी बदतर बन गई थी। सास बहू के झगड़े ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था मैडम। नहीं मतलब सास बहू के झगड़े हर घर में होते हैं, चलो 5 मिनट समझ में आता है, 10 मिनट समझ में आता है, लेकिन 24 घंटे हर वक्त जब देखो तब ताने, चीखना चिल्लाना, बहस, सामान पटकना, ऐसा लगता था मैडम जैसे मेरा दिमाग ना फट जाएगा। मेरी हालत ना चक्की के 2 पाटों के बीच में फंसे उस बेचारे गेहूं की तरह थी, जो बस पिस रहा था, घिस रहा था, और ये ना उन दोनों को बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं, मां को छोड़ नहीं सकता था, बीवी को तलाक नहीं देना चाहता था, डिप्रेशन इस कदर मेरे ऊपर हावी हो गया था ना मैडम कि मैंने आत्महत्या करने की भी कोशिश की, लेकिन हिम्मत ने जवाब दे दिया मैडम। तब तक हार के मैंने ये गूंगा बहरा होने का रास्ता निकाला।
हम अच्छे से समझ गए कि तुम पर क्या बीत रही है। हमने भी तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी माँ को लड़ते हुए देखा है। सच में बहुत बुरी तरह झगड़ते हैं दोनों। एक बार जब लड़ना शुरू हो जाते हैं तो भूल जाते हैं कि वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, किसके सामने बोल रहे हैं और उनके इस तरह के झगड़ा करने से किसको कितना नुकसान पहुँच सकता है। हम तुम्हारा दर्द बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन अर्पित हमें नहीं लगता कि इस तरह का कॉम्प्रोमाइज या इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन तुम्हारी इस प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन है। ये कभी ना कभी तो बात बाहर आनी ही थी। तो कैसे हल होगी मैडम? मैं सब करके देख चुका हूँ। एक्चुअली ये प्रॉब्लम तुम्हारी है नहीं, तुम्हारी माँ और तुम्हारी बीवी को समझाना होगा कि इस तरह के लड़ाई झगड़े से वो खुद को, अपने आसपास वालों को कितना नुकसान पहुंचा सकती है, कितना कुछ खो सकती है। कोई फायदा नहीं होगा मैडम जी, वो लोग नहीं सुनने वाले। हमारी सुनेंगे क्योंकि हम अपने तरीके से उन्हें समझाएंगे। मैंने कितनी बार कहा था कि मेरी बात सुनिए, पर आप तो मानती ही नहीं। मेरी बात क्यों, तुम उसकी बात सुनती हो? कितना मना करता हूं तुमको। तो बहुत भारी देखा कर दिया ना एक्सीडेंट। मैंने तुझे कहा था कि गाड़ी आज से चला, सुनती नहीं मेरी बात, कभी भी नहीं सुनती। अर्पित जी, अर्पित जी, अर्पित जी, कहाँ हो गया? चले चले, अजी पीछे पीछे, अजी पीछे, कोई मदद कीजिए हमारी। अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हॉस्पिटल लेके चल। क्या हो गया, मर गए? कैसा लग रहा है उस इंसान की जान लेकर जो आपकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा था? हमने उन्हें नहीं मारा मैडम। कानून की नजर में उन्हें किडनैप आप ही ने किया था और आप ही के गाड़ी के नीचे आके उनकी मौत हुई है, तो जिम्मेदार आप ही हैं। मैडम मैडम, हमें फांसी पर चढ़ा दीजिए, हम इसी लायक है मैडम, इसी लायक। अब बेटा ही नहीं रहा तो हम जी कर क्या करेंगे? मुझे नहीं जीना, अर्पित जी के बगैर मेरी जिंदगी का क्या मतलब? मुझे भी फांसी पे चढ़ा दीजिए। आप लोगों को फांसी चढ़ा कर क्या होगा, जिसे जाना था वो तो चला गया। और वैसे भी आपका बेटा और आपका पति आज थोड़ी ना मरा है, वो तो बहुत पहले ही मर चुका था, रोज मर रहा था थोड़ा थोड़ा। जानती हैं क्यों? आप दोनों की वजह से, आप दोनों के झगड़े की वजह से, आप दोनों की रोज रोज की किचकिच से परेशान हो चुका था अर्पित। आप दोनों तो ये भी नहीं जानती कि कुछ सालों पहले अर्पित ने अपनी ही जान देने की कोशिश की थी। जी हाँ, और अगर उस वक्त वो कामयाब हो जाता तो वो तो बहुत पहले ही मर जाता ना। बेचारा अर्पित करता तो क्या करता, पत्नी की साइड लेता तो माँ नाराज, माँ की साइड लेता तो पत्नी नाराज, दोनों की साइड नहीं लेता तो दोनों नाराज। इस अशांति से परेशान होकर 5 साल पहले अर्पित ने सीढ़ियों से गिरने का और फिर अपने डॉक्टर दोस्त से खुद को गूंगा और बहरा डिक्लेयर करवाने का नाटक किया। माँ का आंख और उसका बेटा होता है, अब बेटा ही नहीं रहा तो फिर किस बात का अहंकार? ये बात उसके जाने के बाद हमारे समझ में आई है मैडम। एक मौका मिल जाए बस सब कुछ पहले जैसे ठीक करने का, बस एक मौका मिल जाए। समझो, मिल गया मौका। अर्पित जी, अर्पित, अर्पित जी, अर्पित, मेरा बच्चा, बच्चा, अर्पित जी, तू ठीक है मेरा बच्चा, तू जिंदा है? हाँ माँ, मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ, और ये सब मैंने मैडम के कहने पे किया। बेटा हमें माफ कर दे, हमें माफ कर दे, मैं बहू को भी कुछ भी नहीं बोलूंगी, हम अच्छी तरह से पहले की तरह रहेंगे। मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दे, मुझे भी माफ कर दीजिए। आपके कोने के एहसास ने एहसास कराया कि आपसे ज्यादा कीमती और जरूरी तो हमारे लिए कुछ भी नहीं। आपको खोकर क्या रह जाएगा हमारे पास? बस यही एहसास दिलाना चाहते थे हम चाहते थे कि आपको ये समझ में आ जाए कि जिस घर की औरतें अपने अहंकार में लड़ाई झगड़ा करती हैं, क्लेश करती हैं, उस घर के मर्द रोज तिल तिल मरते हैं, और फिर ये फ्रस्ट्रेशन
या तो वर्क प्लेस पे निकलता है या सड़क पर या नशे की आदत में या फिर आस पड़ोस में, जो भी मैटर है, जो भी प्रॉब्लम है, उसे बात करके सुलझाया जा सकता है। तो बात कीजिए, अपने घर में खुशहाली लाइए, पॉजिटिविटी लाइए, तभी तो आपके घर के लोग बाहर जाकर पॉजिटिविटी फैलाएंगे। तजुर्बा कहता है हमारा, इंसान की लड़ाई बस यही है कि जिंदगी के पंजों से हर रोज अपने हिस्से की मुस्कुराहट छीन लाना। खुश रहिए और खुश रखिए, यही सही तरीका है जिंदगी जीने का। अब से यही होगा मैडम, और शुक्रिया ये सबक सिखाने के लिए। मैडम, आपने और आपकी टीम ने जो हमारे लिए किया है, उसके लिए ये तो बनता है। शुक्रिया मैडम। चलो, तो आज का लेसन लर्न्ड, सास बहू की लड़ाई उनके लिए मजा, घर के मर्द के लिए सजा, और ये बात हर सास बहू को याद रखनी चाहिए। मगर ये बात आप हमारी तरफ देखकर क्यों कह रही है? बुरी सास की बात चली तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपकी तरफ टर्न हो गया। फीडिंग दिस इंफॉर्मेशन। अरे करिश्मा सिंह, आपको सुनाई दे रहा है? हाँ, मतलब हमें थोड़ा थोड़ा पास का सुनाई दे रहा है। हाँ हाँ, हमारा मजाक उड़ाया गया ना, ये तो सुनाई देगा ही उन्हें। ये बहुत अच्छी बात है करिश्मा सिंह। मीरा, बहुत अच्छा किया जो तुमने दौड़कर अर्पित को पकड़ लिया, इस वजह से हम केस को जल्दी सॉल्व कर पाए। थैंक यू मैडम। वो तो हमारा बाइक नहीं था मैडम सर, नहीं तो उसको एक किक मारते ना, वो हवालात के अंदर होता, ये मीरा का जरूरत नहीं पड़ता। समझिए हमारी बात को, ये पेट्रोल का बजट आप बढ़ाइए, हमारा फुक कम हो रहा है। सरकार से पेट्रोल का बजट बढ़वा लिया है। वैसे भी आप अपने जंगी जहाज पर ही ज्यादा सूट करती हैं, सो आज से आप अपनी बाइक ही ले जाइए।